बचपन में दादी नानी की कहानियां सुन के हम सभी बड़े हुए हैं। उन कहानियों में कभी बड़े बड़े जानवर हमें डराते थे, तो कभी कोई राजा अपनी प्रजा की भलाई के लिए अपना सब कुछ त्याग देता था। लेकिन यहाँ दादी राजकुमारी ने जो अपने पोतों को कहानियां सुनाई वो बिल्कुल अलग है। बहू की मौत के बाद तीनों पोतों गौतम, गौरव और रवि को अपने सीने से लगा के पाल रही हैं। उनके लिए खाना बनाना, पढ़ने भेजना और यहां तक कि रात में नींद ना आए तो कहानियां सुनाकर सुलाना, सब कुछ एक ढर्रे पर चल रहा था। फिर एक दिन की घटना ने उनकी सोच ही बदल दी। आज हम लोग यहाँ इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि हम लोगों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि अपने गांव को हम लोग किस तरह से ODF कराएं। अगर हमारे गांव में गंदगी नहीं रहेगी तो हम लोग रोग मुक्त भी हो जाएंगे, साफ सफाई भी रहेगी, तो क्या इसके लिए सभी लोग चलने के लिए एग्री हैं? देखते ही देखते गांव में निगरानी समिति की टोलियां बन गईं। एक में दादी राजकुमारी दूसरी महिलाओं के साथ नारेबाजी करने निकलती तो उसी वक्त उनके पोते भी अपनी बच्चा टोली के साथ नारेबाजी करते हुए निकल पड़ते। तीन बजे रात के लिया यहाँ कुल 3 बजे के लिए, वहाँ 4 बजे पहुँचे, वहाँ लाइन लगा रहा, प्रार्थना होता रहा, वह कह के अपन 10-20 के टीम बनल, अपन वहाँ उहर गई ना, वह देख ले लीजा हम लोग, वह अपने गाय में वह हम लोग टीम बन लीजा, वह 10 जने यहाँ, 10 जने वहाँ, 10 जने वहाँ, वह लग लीजा समझावे कुल जने के कि बाहर में शौच मत करना। दादी से मिली इस सीख ने उनके पोतों पर बड़ा असर डाला, जिसमें उनके बड़े पोते गौतम ने तो जैसे गांठ ही बांध ली कि ना तो वो बाहर खुले में शौच जाएगा और ना ही किसी को जाने देगा। एक दिन एक बुजुर्ग लोटा लेकर बाहर जा रहे थे तो गौतम ने उनका पीछा किया और दूर खेत में उनका लोटा छीन लिया। उसके बाद गांव के दूसरे लोग गौतम से डरने लगे कि कहीं वो उनकी बेइज्जती ना कर दे। मैं जहां तक गया वहां तक दौड़ते हुए गया, लगभग 5 मीटर की दूरी पर जाके खड़ा हुआ और लगा कहने के, बाबा ये क्या कर रहे हैं, बाबा ये क्या कर रहे हैं, बाबा ऐसा करिए कि कुदाल लेकर के आइए, जब तक शौचालय नहीं बना है गड्ढा खोद करके उसमें ढक दीजिए। और इसी तरीके जिसको भी वो देखता था लोटा लेकर जाते उसका पीछा करता था लास्ट तक, फिनिशिंग पॉइंट तक, जहाँ आदमी जाता था वहाँ तक वो पहुँचता था। महिलाएँ थोड़ा पहले रुक जाती थी और महिलाओं के संकोच से अधिकांश लोग माने काफ़ी दूर निकल जाते थे, तो महिलाएं रुक जाती थी अपने गांव की सीमा के बाहर, लेकिन डंगर जो है ये दूसरे गांव की सीमा में भी प्रवेश करके लोगों को दौड़ा लेता था, इतना एक्टिव था। गौतम उर्फ डंगर ये लोगों को देखता था कि जैसे लोटा लेके जा रहे हैं तो महिलाएं उसको संकेत करती थी कि देखो वो दादा जा रहे हैं, वो बाबा जा रहे हैं, तो उनको जाओ रोको, तो वो पीछे दौड़ जाता था। अगर वो मान जाते थे तब तो मान जाते थे, नहीं किसी किसी का वो लोटा का पानी जो था वो गिरा देता था नीचे। दादी और उनके पोतों की ये मुहिम धीरे धीरे रंग लाने लगी थी। गांव के लोग शौचालय बनवाने के लिए प्रधान से मिलने लगे थे और गांव में शौचालय के निर्माण ने तेजी पकड़ ली। कोई कार्य असंभव नहीं है, आप करके तो, आप तो करके देखिए तो क्यों नहीं होगा। तो लगभग हमारे गाँव में देखिए सारे लोग इस चीज को एक्सेप्ट किया, सारे लोग फिर मेहनत करने लगे। मई से लेकर के अक्टूबर में जाकर के गांव को ODF घोषित हुआ, इसी बरसात में लगभग हमारे गांव में सारे शौचालय बन गए। ये स्वच्छ भारत मिशन अन्य मिशन से बहुत डिफरेंट है। इसमें CLTS विधा का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कम्युनिटी लेड टोटल सैनिटेशन है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके तहत हम लोग गाँव में निगरानी टोली बनाते हैं, पहले तो CLTS की टिगरिंग करते हैं। टिगरिंग के तहत उनको इस बात के लिए ट्रिगर किया जाता है कि वो शौचालय की डिमांड को समझें, जरूरत को समझें और खुद से प्रेरित होकर शौचालय बनवाएं। यदि वो नहीं बना पाते हैं तो उनको जो है 12,000 का अनुदान दिया जाता है ताकि वो शौचालय निर्माण कर सकें, और साथ में उनको प्रेरित करने के लिए और जो बाहर जाने वाले हैं उनको हतोत्साहित करने के लिए निगरानी समिति का गठन किया जाता है। बुजुर्ग राजकुमारी की इस स्वच्छता की कहानी ने उनके पोतों के साथ साथ
पूरे गांव पर असर डाला। आज इन बुजुर्ग के पास छत भले ही ना हो, लेकिन घर में शौचालय जरूर बना है। अगर राजकुमारी की तरह हर बुजुर्ग ऐसे ही अपने परिवार को पाठ पढ़ाए तो हर बच्चा स्वच्छता की क्लास में अव्वल आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई भी जो बड़ा परिवर्तन होता है समाज में, उसमें रेजिस्टेंस फेस करना प्रत्याशित रहता है, तो यहाँ पर भी चैलेंजेस आए, दिक्कतें आई, बट जो हमारी स्वच्छ भारत मिशन की कोर टीम है, ब्लॉक स्तरीय टीम है, सबने इन्हीं का बड़े ही मोटिवेटेड तरीके से इसका सामना किया। कन्या बाते मैहर जाए के काय जिग ताले हा मनी के डलबू गोरी झूठहू के झमेला में गोरिया भुलाई जाइबू हरा के मेला में नया नहर अभी कन्या बाते मैहर जाए के काय जिग कर ताले हा मनी के डलबू गोरी झूठहू के झमेला में गोरिया भुलाई जाइबू यारा के मेला में चम चम चमकेला माई के मुकुटवा लागेला सगरो या जो।